बाकी क्वेश्चन में क्या है वो मेरे को नहीं पता। क्या दिक्कत है? मॉडिफाइड आइलेट मेथड फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूला ही हमारे पास हैं। लिखिए फॉर्मूला, लिखिए, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी सब चीजें सेम लगेगी। अगला x निकालना है तो x में h जोड़ देना है, x1 निकालना है तो x0 में h जोड़ देना है, x2 निकालना है तो x1 में h जोड़ देना है, वो तो एक चलता जाएगा। y n plus 1 निकालने का फॉर्मूला है, y n plus 1 मतलब y2 निकालना है तो n की जगह पर 1 रख दो, y3 निकालना है तो n की जगह पर 2 रख दो, समझ रहे ना, इसलिए n plus 1 दिया हुआ है। ठीक, फॉर्मूला क्या है? yn plus h by 2 इंटू फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन निकालना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ xn yn, ये तो रहेगा xn, yn, मतलब y2 निकाल रहे हैं तो x1, y1, y1 निकाल रहे हैं तो x0, y0, ये तो रहेगा, प्लस fx xn plus 1, y*n plus 1, xn plus 1, y*n plus 1। अब ये y*n plus 1 क्या होता है, उसका भी फॉर्मूला है, y*n plus 1 का अलग से फॉर्मूला है, फॉर्मूला है यार, बस लगाना है, आंसर निकालना है। yn plus h into function xn, yn, जो फॉर्मूला हमारा पिछली बार ये था वो फॉर्मूला अब y* बन गया, यही था ना हमारा पिछली बार, तो ये अब y* बन गया। तो अब निकालना क्या है? अच्छा अब निकालना क्या है? गिवेन dy/dx, क्वेश्चन दिया हुआ, लिखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, dy/dx इज इक्वल टू 1 plus y by x, y is equal to 2, x is equal to 1, मतलब ऐसे x is equal to 1 पर y is equal to 2 है, मतलब x0 और y0 की वैल्यू दी हुई है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y एट x is equal to 1.4 बाय टेकिंग स्टेप साइज 0.2। x is equal to 1.4 पर वैल्यू निकालनी है, h बराबर 0.2 लेना है। काहे के लिए, कहां से शुरू करना है, वन से कहां जाना है, क्या देते, क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में, क्या खिचड़ी पक रही है भाई? अरे ये एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है, तो एक्स नॉट कितना 1, एक्स वन कितना 1.2, एक्स टू कितना 1.4, दो वैल्यू ही तो निकालनी पड़ेगी, कहां रहते हो भाई? चलिए तब निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू उठा करके हमें वहां रखना, ठीक है, सबसे पहले y*n plus 1 निकालना पड़ेगा। चलिए y*n plus 1 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? yn जो हमारा फंक्शन है वही
जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, fx हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाती है yn, yn मतलब अगर हम y y1 y नॉट तो है तो y1 निकाल रहे हैं, y1 स्टार अगर निकाल रहे हैं तो यहां पर y नॉट हो जाएगा प्लस h f x नॉट y नॉट, ये हो जाएगा तो y1 स्टार निकल जाएगा 2.6, y नॉट कितना है 2 प्लस 0.2 fx 1 प्लस y नॉट की वैल्यू कितनी है 2 और x नॉट की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 2 3 3.2 प्लस तुम्हारा 2.3.2 3.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 2.6 y1 स्टार इज इक्वल टू कितना आ गया 0.6, तो क्या निकल जाएगा yn प्लस 1 ना, y1 स्टार तो निकल चुका है ना, ये निकाल दिया ना, इसी को उठा कर कहाँ रखना है वहां रखना है और ये निकालना है, मतलब सॉरी ये निकालना, इसको उठा के वहां रखना है, तो वाई एन प्लस वन मतलब वन निकाल रहे हैं, वाई नॉट तो है हमारे पास तो वाई वन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा वाई नॉट प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, कोई दिक्कत है, प्लस फंक्शन एक्स एन प्लस वन मतलब जो यहाँ पे रखा है उसी का एक्स, समझ रहा हो ना, तो यानी एक्स वन कॉमा वाई वन स्टार, यही वाला वाई वन स्टार और ब्रैकेट वन, कोई दिक्कत है बताइए, अब रखना शुरू करते हैं, अब लिखना शुरू करते हैं, तो वाई वन निकलेगा, वाई नॉट कितना है 2 है प्लस 0.1 हो जाएगा एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी वाई वन प्लस वाई की जगह पर वाई नॉट यानी 2 और x की जगह पर x नॉट यानी 1 प्लस, तो कट दिया ना प्लस एफ एक्स वन कमा वाई स्टार नॉट, x1 की वैल्यू रखेंगे कहां पर y की जगह पर क्या रखेंगे, अरे इधर देखो x1 और y स्टार नॉट है ना, तो x y की जगह पर ये वाली वैल्यू और x की जगह पर x1 वाली वैल्यू, तो x1 कितना है तो 1 प्लस और y स्टार नॉट कितना आया है 0.6, तो क्या y की जगह पर 0.6 होगा और क्या x1 की जगह पर 1.2 होगा, ये वैल्यू कितनी आई, यही हमारा y1 है इंटू 0.1 करके 2.61 समथिंग आएगा, हाँ वही जो भी है 2.6617 2.6167 कुछ तो आएगा ऐसे ही 2.6617 अच्छा ठीक है, ये लो लिख दिया, ये y1 आया, अभी y2 निकालना पड़ेगा ठीक इसी तरह से, छापने में इतना देर है, 1 plus x1 y1 तो इसमें क्या करना है, अब y1 स्टार के बाद y2 स्टार निकालना है, y2 स्टार में क्या होगा यहाँ पर y0 की जगह y1 हो जाएगा, यहाँ भी y1 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, यहाँ भी y1 हो जाएगा, y1 सर यहाँ y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू y1 है ये कहाँ हो यार तो y2 स्टार की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ y1 हो जाएगा, यहाँ x1 हो जाएगा, यहाँ y1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास के y2 स्टार इज इक्वल टू y1 कितना है 2.6617 लिखा है प्लस h इज इक्वल टू व्हाट 0.2 इंटू 1 प्लस y की जगह पर y1, y की जगह पर y1 और x की जगह पर x1 दैट इज 1.2, कितना आया है ये y2 स्टार कितना आया 3.23314, कितना आया भाई तुम्हारा करिए, y2 स्टार
यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, वाई वन निकालना है, तो बस ये मिटाया जाएगा यहाँ पर 3.05 से बना रहा है, तो आ रहा है कितना 3.2334। ये थोड़ा सा और पास है, हाँ तुम थोड़ा और दूर हो, 3.2334। चलो ठीक है, तो ये रख देंगे। अब अपने को निकालना है क्या y2, ठीक है थोड़ा वैल्यू अलग अलग रख लिया होगा, y2 निकालना है अपने को, y1 रखेंगे, x क्या रखेंगे यहाँ, x1 y1 x2 y2 star not y2 star, तो रखेंगे y1 की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला था 2.6617 प्लस 0.1 इंटू एक्स वन कॉमा वाई वन रखना है, तो यानी वन प्लस 2.6617 डिवाइडेड बाई एक्स की जगह पर एक्स वन रखना है, दैट इज 1.2 प्लस एक्स टू और वाई टू स्टार नॉट रखना है, 1 प्लस एक्स टू की जगह पर 1.4 वाई टू की जगह पर वाई टू स्टार की जगह पर 3.2334 डिवाइडेड बाई एक्स टू की जगह पर 1.4 और ये ब्रैकेट बंद, जो आएगा वही हमारा वाई टू, ये 0.3 कितना बोला, 3.314 ऐसा कुछ आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा खत्म। और ये आंसर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, अप्रोक्स